मारे जाते हैं, बेगुनाह बेकसूर लोग जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान अपनी जाने दे रहे हैं, अपना अपना मंशूर, अपना अपना एजेंडा है, जिस पर पॉलिटिकल पार्टी कायम रह सकती है, अपने अपने तरीके से उस एजेंडे के लिए काम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा मंशूर हो सकता है, नेशनल कांग्रेस का अपना है, आपको पता है, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी सोशल में, लेकिन वो तीन हमने कॉमन इश्यू ढूंढे हैं जो प्राइम मिनिस्टर का ला रहे हैं, कि जिन पे हमारा कोई और ना ही तीन पार्टी का आपस में यूनानिमिटी है, बल्कि जम्मू कश्मीर का हर वशन, हर आदमी, हर बच्चा बूढ़ा ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई रियासत हमको फौरी तौर पर बहाल है। पहली हमारी मांग है रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेट हुड टू जम्मू कश्मीर। एक दूसरी बात कि 4 साल हो जाएंगे जून में हम जमहूरियत से चुनी सरकार से महरूम है, हर आदमी इस ब्यूरोक्रेटिक निजाम से तंग है, इंसाफ नहीं हो सकता, उनकी सुनवाई नहीं, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चुनी सरकार हो, उससे पहले जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसने बहुत बेइंसाफी की है, जैसे कहा कि हम उसको अनएक्सेप्टेबल है लोगों को, और उसको आंसर नो देखा जाए, जैसे इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की सीट जम्मू को क्यों ना दी जाए, हमारी तो ये मांग है अपनी पार्टी की, लेकिन हम ये सारे चाहते हैं कि मेजर रिव्यू उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को, प्रेजेंट फॉर्म में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो उसको हम रिजेक्ट करते हैं और वो गाइडेड है, इसलिए रूलिंग पार्टी थी और लोगों के साथ बहुत बेइंसाफी है। शेख साहब ने विस्तार में बताया कि कहीं का इलाका कहीं जोड़ दिया गया, इस तरह की बहुत सारी अनामली थी, तो हम कमीशन से भी अपील करते हैं और गवर्नमेंट से कि अगर ये फेयर और जस्ट ना हुआ, आने वाले 20 साल के लिए बहुत से लोगों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी। तो इसलिए पहली है फुल स्टेट हो, दूसरा है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और जस्ट और जस्टिस बेस्ड डिलिमिटेशन, तीसरा है होल्डिंग ऑफ अर्ली असेंबली इलेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी अंडर स्टेट हो, ये तीन मेजर इशू जिस पर कोई बात हुआ थी, बाकी चीजों पर थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, सोशल आदमी पॉलिटिकल पार्टी का, वो अपने अपने एजेंडे पे हम कायम रहेंगे, अपने अपने तरीके से हम उसके लिए लड़ते रहेंगे उन गोल्स के लिए, और बाकी जो मेजर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है उसके लिए हमारी मांग है कि एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दे, कल वो आ रहे तो वो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी दे, और तमाम जो डेली वेजेस, नीड बेस्ड, कैजुअल, अडाप कंट्रेक्चुअल और डिफरेंट टेम्पररी कैपेसिटीज में जो यूथ लगाए गए हैं और अनएम्प्लॉयड है, सेमी एम्प्लॉयड है, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको फौरी तौर पर प्रॉपर यूनिफॉर्म और जस्टिस बेस्ड रेगुलेशन पॉलिसी बना के उनको रिवाइज किया जाए कि